राजा विक्रमादित्य कहते हैं अगर किसी को पनाह दी है, किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी को शरणागति दी है, किसी के लिए तुमने कुछ करा है, तो उसके परिवार के व्यक्ति पर तुम्हारी गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए, अच्छी बात। अब दुनिया को देखते, दुनिया की दृष्टि देखते, अगर एक व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे देता है, एक व्यक्ति किसी पर करुणा कर देता है, एक व्यक्ति किसी को नौकरी दिला देता है, एक व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा भी काम कर देता है, तो उससे यह आशा लगता है कि इसके घर में बहन है, इसके घर में बेटी है, इसके घर में संपदा है, इसके घर में बेवा है, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में ऐसा है, कुछ लेने की आशा उसकी बढ़ जाती है। और राजा विक्रमादित्य का संवाद कहता है, भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को दो गुलाब जामुन भी खिला रहे हो, अगर किसी को नुक्ति भी परस रहे हो, तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जीतने बैठूंगा तो ये मुझे चार गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ति ज्यादा परसेगा, ये आशा राजा विक्रमादित्य करते लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल हमने इसके लिए यह करा तो इसको हमारे लिए यह करना चाहिए। आशा क्यों लग गई? शिव पुराण करी आशा, एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता, साधु संगे राम रंगे अंग अंग, संगी और जाए विधि रंगे राम। क्यों कहा? कभी कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब